नमस्कार मेरा नाम कुशल आनंद है और मैं आप सभी का इंजीनियर्स वाला के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं शनिवार का यह दिन ना और मैं डेट याद करने की कोशिश कर रहा हूं तेरह अप्रैल तेरह अप्रैल तो जरा हिसाब अगर हम जोड़ें तो तेरह अप्रैल से लेकर के तेरह मई एक महीने कैलेंडर का विषय है लेकिन खैर अब तो कैलेंडर में लोगों को दिलचस्पी ही नहीं बची है पूछ नहीं रहा है क्वेश्चन लेकिन हम करेंगे उसकी भी कुछ बातों को हम सीखेंगे ऐसा नहीं है कि मॉक जब करेंगे तो विल इंक्लूड दैट एज वेल तो अभी भी वक्त है हमारे पास ऐसा नहीं है कि वक्त नहीं है जिन्होंने ठीक ठाक तरीके से मैं नहीं कह रहा बहुत बढ़िया ठीक ठाक तरीके से एक बार सिलेबस को पढ़ लिया है यह क्रैश कोर्स उनके लिए रामबान है क्रास कोर्स उनके लिए रामबन है ठीक है तो आप सभी का स्वागत है अनुज विवेक ओशामा, तुमने अपना सही नाम नहीं बताया ना कौस्त आशी प्रखर आई एम गुड थैंक यू विवेक मेहनत कर बस बाकी सब मोह माया है गुड आफ्टरनून भाई आपका नाम क्या है मैं ठीक हूं आई एम गुड आज जीत के आया हूँ आज जीत के आया हूँ <laughs> समझ गए होंगे जो लोग साथ मतलब पुराने से जान रहे हैं ना मतलब जो लोग भैया भैया कह रहे हैं वो पहले से जान रहे हैं तो वो समझ गए होंगे जीत क्या है का मतलब क्या है तो पिछले क्लास की बात से पहले आज के क्लास में हम लोग सिलेजिज्म करेंगे आपके एस एस में दो सवाल यहां से पूछे जाएंगे क्योंकि दो में ये पूछे गए थे तो हम उस अनुमान पर बात कर रहे हैं ठीक है इसका डिस्कशन को हम लोग थोड़ा और आगे बढ़ाएंगे उससे पहले पिछले क्लास में जो हम लोगों ने किया तो पिछले क्लास में कल हम लोगों ने क्या किया था जरा बताइए याद दिलाइए मुझे सिटिंग एनालिसिस सिटिंग एनालिसिस या सिटिंग अरेंजमेंट पर बातचीत किया था कुछ क्वेश्चंस दिए थे विथ आंसर तो मैं उम्मीद करता हूं आप लोगों ने उसको प्रयास किया होगा और आपके आंसर्स मैच हो रहे होंगे एक बच्चे का कमेंट था वो जो कमेंटेटर वाला क्वेश्चन था उसमें वो फंस रहा था 2023 का पूछा हुआ प्रश्न है टेलीग्राम पे आ जाइएगा आई डिस्कस दैट टेलीग्राम पे आ जाइएगा आई डिस्कस दैट और भी जितने लोगों को जो भी समस्या थी टेलीग्राम खुला हुआ है ठीक है गूगल पे मेरा नाम डालेंगे मेरे तक पहुंच जाएंगे खुला मतलब देखो अल्टीमेटली प्यासे आप हो अब प्यासे को ही नल तक जाओ कुएं तक जाओ नदी तक जाओ तालाब तक जाओ ये आपको देखना होगा ठीक है ठीक है आज सिलेजिज्म की बात करेंगे सिलेजिम के कुछ अपडेटेड क्वेश्चंस जो 2023 में देखे गए थे उनको भी करेंगे इसके कॉन्सेप्ट्स को समझेंगे कॉन्सेप्ट को समझेंगे और पीवाईक्यू क्यू के माध्यम से इसको प्रैक्टिस भी करेंगे कॉन्सेप्ट को समझेंगे और कुछ ट्रिक्स भी है कुछ ट्रिक्स भी है और पी के माध्यम से उसको प्रैक्टिस करेंगे शुरू करने से पहले मैं आपको याद दिला दू यूनिटी पे अपने आप को रजिस्टर कीजिए दो रीजनिंग के लिए दो काम की चीज है एक तो नोट्स आपको मिल जाएगा एक्सप्लेन नोट लगाने से और एक्सप्लानीशन डाउट से जो आप डाउट पूछेंगे वो यहाँ इस लड़की के पास आएगा और जब ये अपना बक्सा झाड़ेगी तो डाउट निकला है मानिक का कि सर कल का लास्ट कल का लास्ट सेकेंड क्वेश्चन में प्रॉब्लम आई है अब ऐसे तो बेटा याद नहीं है ना मानिक अब या तो कमेंट सेक्शन में डाल देते कि ये क्वेश्चन और नहीं तो टेलीग्राम पे बताते ठीक है तो ये बता दिया करना जिससे मुझे सहूलियत हो आपके डाउट को क्लियर करने में जो भी प्रॉब्लम है टेलीग्राम आपको पता है मेरा टेलीग्राम चैनल किसी भी टीचर का प्री डब्ल्यू का टेलीग्राम चैनल का बड़ा आसान सा तरीका है टीचर का नाम सर या मैम लगाइए और पी डब्लू लिखिए आप उस व्यक्ति के टेलीग्राम तक पहुंच जाएंगे और जब वहां पहुंच गए तो आप पर्सनल में भी मैसेज कर सकते हैं टेलीग्राम पर ठीक है इसका मतलब दीपक मैंने बताया है कि जैसे कोई बात आपको अच्छा लग जाए अब जरूरी नहीं है कि एक घंटे की क्लास में सब कुछ अच्छा लगेगा मिनट पे कोई काम की चीज मैंने बोली और आपको सीखने को लगा तो आप उस समय कमेंट सेक्शन में एक्सक्लेमेशन नोट लिख लेंगे तो इस वेबसाइट पे ये वीडियो स्टोर होगा जितने वीडियोस आप देखते हैं अगर रजिस्टर करेंगे ना तो यहां पे स्टोर होगा तो इस वीडियो का टाइम स्टैम्प आपको मिल जाएगा कि तेरह मिनट वाली इंपॉर्टेंट चीज थी तो आप डायरेक्टली इसको रिवाइज कर सकते हैं ठीक है अब सवाई सिंह अब इतना मैं कैसे बताऊँ अब यूनिटी अब यहाँ पे मैं खोल के नहीं दिखा सकता हूँ थोड़ा रिसर्च करोगे ना सबसे पहले तो रजिस्टर करो कुछ लोग तो इसमें डिस्टर्ब हो रहे होंगे रजिस्टर करने में ठीक है रजिस्टर कीजिएगा ना फिर सारे वीडियो सेव होते हैं और वहीं पे बॉक्स बने हुए हैं उन वीडियोज़ के टाइम स्टैम्प ठीक है आप वीडियो खोलेंगे ना तो आपको वो टाइम स्टैम्प जो जो आपने इंपॉर्टेंट सेव किया आपको दिखेगा टाइम सेव नहीं हो रहा है मैं एक बार टीम को कहूंगा कि इस चीज को देख के और रेक्टिफाई कर दे ठीक है मे बी आप तक अवेलेबल नहीं हो पाया हो लेकिन आपने जब जब एक्सप्लानेशन नोट डाला होगा वो वहां पे जाके सेव हो रहा होगा ठीक है तो आइए डिस्कशन की शुरुआत करते हैं सिलेबस में कुछ ऐसे क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकते हैं लिखा होगा टू स्टेटमेंट्स आर गिवन फॉलोड बाई थ्री कंक्लूजन दो स्टेटमेंट है ये पहला स्टेटमेंट ये दूसरा स्टेटमेंट फॉलोड बाय थ्री कंक्लूजन ये पहला दूसरा और तीसरा थ्री कंक्लूजन नंबरड 1 2 3 अज्यूमिंग द स्टेटमेंट्स टू बी ट्रू बहुत क्लियरली कह लिया है कह रहा है कि कथनों को सत्य मानते हुए अब कुछ भी कह दे जैसे कह रहा है ऑल एप्स आर मंकी ठीक है सभी बंदर बंदर होते हैं अब हिंदी में यही समस्या है ठीक है तो यहां पे एप्स को लंगूर कर लो लंगूर कर लो लंगूर के हाथ में अंगूर वाली बात ठीक है तो ऑल एप्स आर मंकी ऑल मंकी आर डोंकी होता तो नहीं है ना सभी बंदर गधे तो नहीं होते हैं लेकिन हमें मानना है जैसे एक बड़ा ही प्रसिद्ध लाइन है ना क्या है ऑल डॉग आर मैन या मैन आर डॉग कुछ ऐसा करके है बड़ा प्रसिद्ध है होता नहीं है लोग मानते हैं तो जिसको जो मानना है मानने दीजिए आप अपने रास्ते चलते रहिए सिंपल सी बात तो ये दो गलत स्टेटमेंट दिए जाएंगे आपको इनको सही मान लेना है और उसके हिसाब से निष्कर्ष को निकालना है ये काम आज का है ठीक है तो कुछ बातें इसकी शुरुआत से पहले कुछ बातें ये जो टॉपिक है वो कुछ शब्दों पे आधारित है पहला शब्द है ऑल जिसको आप हिंदी में कहते हैं सभी दूसरा है सम जिसको आप हिंदी में कहते हैं कुछ तीसरा है नो जिसको हिंदी में आप कहते हैं कोई नहीं और इसके हिसाब से और भी वर्ड्स बनते हैं जैसे सम नॉट फ्यू ओनली फ्यू और ना जाने क्या 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 नई नई बातें बनती है लेकिन बेस इनका यही तीन बात है एक बेसिक रिप्रेजेंटेशन जो बच्चा नया है पहली बार सिलोजिज्म को देख रहा है उसके लिए एक बेसिक रिप्रेजेंटेशन में बता दूं कि जब भी कहा जाए ऑल पी इज क्यू सभी पी क्यू है तो ये पी है और पी का सारा हिस्सा क्या है क्यू है दूसरा जब कहता है सम पी इज क्यू कुछ पी क्यू है तो ये पी है और पी का कुछ हिस्सा क्या है क्यू है ये पी है और पी का कुछ हिस्सा क्या है क्यू है और तीसरा नो पी इज क्यू कोई पी क्यू नहीं है मतलब ये P है और P का कोई भी हिस्सा Q नहीं है ये तीन बेसिक रिप्रेजेंटेशन है ऑल सम और नो के ऑल सम और के पहले बात क्लियर सिंपल सी बात प्रॉब्लम वाली बात किसी के मन में अब यहां पे यहां पे आसान शब्दों में ये बात कहना चाह रहा हूं मैं कि स्टेटमेंट्स जो होंगे वो गलत होंगे तो इनको आप मान लीजिए कि ये सही है मैंने क्लास मुझे याद नहीं है मैं छोटा था मुझे लगता है सिक्स सेवन सैनिक स्कूल या किसी का एग्जाम दिया और वहाँ ये आया मुझे पता ही नहीं था पढ़ा ही नहीं था अब मैं टीचर से लड़ रहा हूँ मतलब लड़ क्या मैं अपना दुख व्यक्त कर रहा हूँ रो रहा हूँ गा रहा हूँ कि क्वेश्चन गलत है वहाँ लिखा हुआ था ऑल रैट आर कैट मैं कह रहा हूँ सभी चूहे बिल्ली कैसे हो सकते हैं क्वेश्चन में प्रिंटिंग मिस्टेक है लेकिन बाद में पता चला अच्छा वो सिलोजिज्म था लॉजिकल इंटरप्रिटेशन पे आप लॉजिकली क्या इस बात को सोच सकते हैं आपको यह करना है तो क्वेश्चन के माध्यम से मैं आपको कुछ ट्रिक्स ट्रिक्स बताता जाऊंगा उन को आप अप्लाई करेंगे तो आपका काम हो जाएगा उन ट्रिक्स को आप अप्लाई करेंगे तो आपका काम हो जाएगा तो देखिए कैसे कैसे आपको उन ट्रिक्स को अप्लाई करना है कैसे कैसे आपको उन ट्रिक्स को अप्लाई करना है जैसे कि यह क्वेश्चन हमको दिया है जैसे कि यह क्वेश्चन हमें दिया है कि ऑल एप्स आर मंकी तो इसके लिए हम वेन डाइग्राम का यूज करते हैं फलक आरेख कहते हैं और ये सबसे बेहतर काम है बेस्ट थिंग इसमें 150 के रूल्स है ए आई e, का रूल है बट उन सबसे बेस्ट और बेहतर है वेन डाइग्राम इसका यूज करें तो क्या कहता है ऑल एप्स आर मंकी ये एप्स है और ये मंकी है मंकी आर डोंकी सारे बंदर क्या है गधे ये सबसे बेहतर इसका है ठीक है अब कंक्लूजन के बेसिस पे बात करें सम डोंकी आर मंकी बिल्कुल है कैसे है जैसे ये सेंटर पॉइंट है मान लो तो यहां से यहां तक ए है यहां से यहां तक एम है और यहां से यहां तक डी है तो कहता है कि सम आर की सम मंकी देखो नहीं डोंकी आर मंकी सम डोंकी ये डोंकी का हिस्सा किसके साथ है मंकी के साथ है तो पहली बात सही है सिंपल सा काम सम मंकी आर एप्स सम मंकी आर एप्स बिल्कुल सही बात ये भी सही है एंड ये भी बात सही है तीनों के तीनों बातें सही है विल गो फॉर डी एज द राइट आंसर ये सबसे बेसिक क्वेश्चन और हाँ दो हजार तेईस में ऐसे भी प्रश्न आए थे जिसमें आपको खास समस्या वाली बात नहीं है केमलाल लाल सौ पचास का नियम जो है ना इतनी जल्दी आप नहीं सीख पाएंगे और अगर आपको 150 का नियम पहले से पता है तो 2023 के कुछ ऐसे क्वेश्चंस थे जहां 150 के रूल को अप्लाई करने के लिए आपको कुछ पॉइंट्स रटना पड़ेगा पॉसिबिलिटी कैन नेवर वर्ड देख लिया गया है 2023 में ठीक है तो हमें पता नहीं है क्या पता इस बार कैन पे बात कर ले पॉसिबिलिटी पे बात कर ले तो मेरा सुझाव यह होगा कि आप सौ से बचिए वेन डायग्राम को फॉलो कीजिए वो बेस्ट होता है इस टाइप चीज के लिए क्लियर कट पहली बात क्लियर है मैं कॉन्सेप्ट इसके साथ डिस्कस करूंगा आप चिंता मत कीजिएगा ठीक है चिंता मत कीजिएगा सम ड्राइव्स आर कैसेट सम ड्राइव आर कैसेट इसको हिंदी वाले भी अगर चाहें तो इंग्लिश में करें आसान हो जाएगा ठीक है ऑल कैसेट्स आर मेमोरी अब देखो ऑल कैसेट्स आर मेमोरी अब करने को तो आप ये डायग्राम बना सकते थे कि ऑल द कैसेट्स आर मेमोरी बना सकते थे कि नहीं आप बिल्कुल ऐसा डायग्राम बना सकते थे कि कुछ ड्राइव्स क्या हैं कैसेट्स हैं और सारे कैसेट्स क्या है मेमोरी है यह इसका पहला रिप्रेजेंटेशन एक रिप्रेजेंटेशन ऐसा भी हो सकता है सम ड्राइव्स आर कैसेट एंड ऑल ऑल कैसेट्स आर मेमोरी ये दूसरा रिप्रेजेंटेशन अब यहां पे ये बताओ कि कौन सा डायग्राम सही है तो इस डायग्राम से एक एक्स्ट्रा बात निकल के आ रहा है इस डायग्राम से एक एक्स्ट्रा बात निकल के आ रहा है वो क्या है ऑल डी इज एम जो कि हमें स्टेटमेंट में नहीं कहा गया है ध्यान से सुनिएगा नए बच्चे पुराने बच्चे मुझे 10 से 15 मिनट दीजिए मैं जरा नए वालों को आपके साथ बिठा लू आपके साथ खड़ा कर लू तो फिर मजा आएगा प्रैक्टिस करने में तो यहां से एक एक्स्ट्रा बात निकल के आया वो क्या बात निकल के आया कि ऑल डी इज एम ड्राइव्स आर एम जो कि हमें कहा नहीं गया है यहां से भी एक एक्स्ट्रा बात निकल के आ रहा है और वो है D, is M. कुछ D क्या है M. अब कहा यह जाता है कहा ये जाता है कि ट्रिक है कि वैसा डायग्राम बनाए वैसा रिप्रेजेंटेशन करे जिससे एक्स्ट्रा निष्कर्ष निकल के ना आए क्या कहा जाता है ऐसा डायग्राम जिससे एक्स्ट्रा निष्कर्ष निकल के ना आए तो मैंने पूरी कोशिश की यहां पे मुझे ड्राइव और कैसेट के बारे में जानकारी दिया था कैसेट और और मेमोरी मेमोरी के के बारे बारे में जानकारी दिया था लेकिन ड्राइव में हमें जानकारी नहीं दिया था तो पहले मैंने ये कोशिश किया कि ड्राइव और मेमोरी के बीच रिलेशन ना बने लेकिन वो संभव नहीं था क्योंकि ड्राइव का कुछ हिस्सा कैसेट था और सारा का सारा कैसेट जो है मेमोरी था तो ड्राइव का कुछ हिस्सा तो मेमोरी के साथ आता ना तो ये रिप्रेजेंटेशन इसका गलत है और ये रिप्रेजेंटेशन इसका सही है तो यहां से आप नोट में एक बात लिखिए कि ड्रॉ ड्रॉ लीस्ट ओवरलैपिंग डायग्राम कैसा डायग्राम ड्रॉ करना है आपको लीस्ट ओवरलैपिंग लीस्ट ओवरलैपिंग का अर्थ होता है एक्स्ट्रा कंक्लूजन

यदि एक्स्ट्रा कंक्लूजन आए पहला तो यह कोशिश किया कि मैंने ड्राइव और मेमोरी का इंटरसेक्शन ना हो लेकिन मेरे पास ऐसा कोई उपाय ही नहीं था तो यदि एक्स्ट्रा कंक्लूजन आए तो प्रिफर सम ओवर ऑल। तो वैसे केस में आप सम वाले को प्रिफर करेंगे ऑल वाले को प्रिफर नहीं करेंगे सो दैट इज गोइंग टू बी बेस्ट रिप्रेजेंटेशन फॉर दस अब इसके बेसिस पे हमें निष्कर्ष को चेक करना है ऑल मेमोरी आर कैसेट ऑल मेमोरी आर कैसेट गलत बात है ऑल ड्राइव आर कैसेट ऑल ड्राइव आर कैसेट गलत बात है एंड सम मेमोरी आर ड्राइव सम मेमोरी आर ड्राइव सही बात है सो वी हैव ए एज द राइट आंसर यहाँ पे ए सही होगा पहला रूल ये रहा 2023 के सारे सीट्स में 44 सारे सेट्स में 44 मार्क्स से ज़्यादा आ रहे हैं जबकि 2022 और उसमें पहले सेट में चालीस मार्क्स भी नहीं प्लीज़ हेल्प करें रीज़न क्या हो सकता है रीजन ये हो सकता है कि जो 2023 के जो क्वेश्चन थे ठीक है 2022 के क्वेश्चन में थोड़ा परिवर्तन था 2023 में मैथमेटिकल ऑपरेटर पे बहुत ध्यान दिया मैथमेटिकल ऑपरेटर के लिए कोई कॉन्सेप्ट और ट्रिक की आवश्यकता नहीं है. तो इस कारण से हो क्या रहा है कि वो चीज तुम सही कर ले रहे हो तुम अपना टाइम भी बताओ आयुष कितना टाइम ले रहे हो दूसरा रीजन ये हो सकता है दूसरा रीजन ये हो सकता है कि वो वो टॉपिक्स हैं जिसमें तुम अच्छे हो 2022 में वो टॉपिक्स थे जिसमें तुम गड़बड़ हो तो आपको 40 और 44 का मत सोचो आप बस ये देख लो गलती क्या है 2023 वाले में छह नंबर कहां कट रहे हैं और 2022 वाले में दस नंबर कहां कट रहे हैं सिर्फ उस पर काम करो बाकी नहीं और समय पर काम करने की जरूरत नहीं है प्रैक्टिस करते जाएंगे तो अपने आप समय कम होता चला जाएगा पैंतीस घट के तीस तक आ जाएगा ठीक है और 2022 वाला थोड़ा टफ था कहने को आप कह सकते हैं लेकिन मैं इसके बारे में कुछ नहीं कहूंगा क्वेश्चन बनता है तो इजी है को नहीं बनता है तो टफ हो जाता है आसान शब्दों में अगर देखो तो यही चीज लेकिन इस इस एक्सेप्टेंस को भी रखो ना कि जब आपको कोई भी प्रश्न मिलता है ना पेपर मिलता है तो उसका पॉजिटिव पार्ट भी है नेगेटिव पार्ट भी आपको दोनों लेके चलना होता है कोई इंसान ही है आपको कोई इंसान मिला आपका मित्र है उसकी अच्छाई अगर तुम्हारी है तो उसकी बुराई भी तो तुम्हारी है ना ठीक है हा ही इज नॉट किडिंग राज राज तुमने फोन नहीं किया मैं तुम्हारे फोन का वेट कर रहा था तुम्हारा नंबर नहीं था नहीं तो मैं कॉल करता अगला क्वेश्चन आप मुझे खुद से जवाब देंगे और इस बार मैं आपको एक छोटा सा पोल भी दे दूंगा ठीक है छोटा सा पोल भी दे दूंगा जल्दी से कोशिश करो तो पोल के लिए कमेंट सेक्शन में सिर्फ एबीसीडी लिखे ठीक है उत्कर्ष बढ़िया है इसको सुधारेंगे थोड़ा सा और इसको थोड़ा सा और सुधारेंगे ए बी सी डी लिखेंगे पोल में काउंट हो जाएगा ऑल वाला है अभी आपको बताया है सिंपल वन डायग्राम बनाइए और उसके बेसिस पे कंक्लूजंस को चेक कीजिए पोल खत्म देखिए सभी ए क्या है बी है सभी बी क्या है सी है सम सी आर ए कुछ सी ए है सम बी आर ए है ऑल ए आर सी है तीनों बातें सही हैं तीनों बातें सही हैं राइट आंसर इज डी कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं सही जवाब देने वालों की संख्या वाह ये तो मजा आ जाता है देख के सौ प्रतिशत लेकिन दुख की बात है सिर्फ चार ही लोगों ने सही जवाब दिया है शिवम सुरेश उत्कर्ष और हर्ष उस अवधि में थर्टी सेकेंड्स की अवधि में सिर्फ इन्हीं लोगों ने दिया है ठीक है एक मौका आपको और दिया जा रहा है ऑल और सम और ऑल वाला यह भी हमने अभी किया था जल्दी से कीजिए सम और ऑल वाला क्वेश्चन अभी हमने थोड़ी देर पहले किया था जल्दी से कीजिए यहां पे आपको स्टेप बाय स्टेप मुझे मैं सिखाने की कोशिश कर रहा हूं ऑल ऑल सम ऑल अभी दो टाइप्स पे हमने शुरू किए हैं बातचीत समय खत्म होने वाला है उस टाइम स्टैंप में देंगे तो ही काम होगा देखिए सम कारपेंटर आर टेक्नीशियन ये कारपेंटर ये टेक्नीशियन ऑल टेक्नीशियन आर मैकेनिक अब तो ये गलती नहीं करोगे ना कि पूरा का पूरा कारपेंटर को मैकेनिक के अंदर लेंगे नहीं लेंगे सम कारपेंटर आर मैकेनिक है सम मैकेनिक आर टेक्नीशियन है ऑल कारपेंटर ऑल कारपेंटर मैकेनिक नहीं है सारे कारपेंटर मैकेनिक नहीं है पहला दूसरा सही है पहला दूसरा कहां पे है सी राइट आंसर सी सही जवाब वेरी बैड वेरी बैड परफॉर्मेंस बहुत गंदा सुरेश नाइट वेरी गुड क्या कर रहे हो तुम लोग हड़बड़ा हट क्यों पोल दिया मुझे पता है इंडिविजुअल क्वेश्चन पे क्वेश्चन पे आपके पर एग्जामिनेशन में पोल नहीं है बट उस प्रेशर को झेलने के लिए पीडब्ल्यू ये पोल वाला सुविधा आपको लेके आया है ठीक है तो थोड़ा इसका उपयोग करें अगला क्वेश्चन देखिए सम और नो मैं बनाता हूं इसको आप ध्यान से देखिए सम फ्रिज इज मशीन तो यह फ्रिज है और फ्रिज का कुछ हिस्सा क्या है मशीन है और नो मशीन इज टीवी और कोई भी मशीन क्या नहीं है टीवी नहीं ये डायग्राम क्लियर है सबको प्रखर क्लियर है भाई जॉनी सो सम फ्रिज इज मशीन एंड नो मशीन इज टीवी कंक्लूजन पहला नो फ्रिज इज टीवी कोई भी फ्रिज टीवी नहीं है मुझे इसके इसके बारे में रिलेशन पता है मुझे इसके इसके बारे में रिलेशन पता है लेकिन मुझे फ्रिज और टीवी के बारे में रिलेशन नहीं पता है मुझे फ्रिज और टीवी का रिलेशन संबंध नहीं पता है और जिसके बारे में चीजें नहीं पता है वो क्या होता है गलत होता है ये क्या बोल गया मैं देखिए एक सिंपल सी बात समझिए क्या आप मुझे सौ प्रतिशत जानते हैं क्या आप मुझे सौ प्रतिशत जानते हैं कुछ बातें जानते हैं मेरा नाम मैं क्या करता हूं कहां रहता हूं कहां का रहने वाला हूं यही मोटी मोटी बातें जानते हैं बट आप अपने बारे में हंड्रेड परसेंट जानते हो आपको क्या खाना पीना पसंद है क्या पहनना पसंद है आप अपने घर के सदस्य के बारे में अधिकांश चीज़ें जानते हो उन्हें पानी पूरी खाना पसंद है या नहीं उन्हें काजू कतली पसंद है या नहीं आपके पिताजी को कैसे कपड़े पहनना पसंद है आपकी माता को कैसे खाना खाना पसंद है तो जिनके बारे में आप हंड्रेड बातें जानते हैं आप श्योर होते हैं तो आप उनके बारे में आराम से हा या ना में जवाब दे सकते हैं बट जिनके बारे में आप 100 प्रतिशत बात नहीं जानते हैं वो आप डाउट में होते हैं संदेह में होते हैं अब जैसे मैंने आपसे एक सवाल पूछा क्या मुझे पानी पूरी खाना पसंद है क्या जवाब होगा आपका क्या मुझे पानी पूरी खाना पसंद है आप अगर हां कहेंगे तो मैं पूछूंगा भाई कैसे सपना आ रहा है पंडित हो तुम ना कहेंगे तो भी मैं यही पूछूंगा तो आप कहेंगे डाउट पता नहीं आप तो यही कहोगे ना पता नहीं भैया खाते हो या नहीं खाते हो तो पता नहीं वाली जो सारी बातें होती हैं वो सारी डाउटफुल बातें होती हैं संदेहपूर्ण बातें होती हैं और सारी की सारी डाउटफुल संदेहपूर्ण बातें जो होती हैं वो गलत होती हैं सारी की सारी डाउटफुल संदेहपूर्ण वाली बातें जैसी होती हैं गलत होती हैं तो अभी मैंने आपको एक रूल बताया था अभी मैंने आपको एक रूल बताया था पहला पॉइंट ये बताया था ना कि ड्रॉ लीस्ट लीस्ट ओवरलैपिंग ओवरलैपिंग डायग्राम डायग्राम का अर्थ क्या है वैसा डायग्राम बनाना था जिससे एक्स्ट्रा कंक्लूजन ना आए और यदि एक्स्ट्रा कंक्लूजन आए तो प्रीफर सम ओवरऑल ठीक है और दूसरा रूल यहां पे ऐसा रखिए कि अगर आप किसी चीज के बारे में सौ प्रतिशत श्योर है सौ प्रतिशत श्योर है किसी चीज के बारे में ठीक है तो वो बात सही है पॉजिटिव में भी सही है नेगेटिव में भी सही है बट अगर आप एक से लेकर के निन्यानवे प्रतिशत तक श्योर हैं तो आप डाउट में हैं एक से लेकर के निन्यानवे प्रतिशत तक श्योर हैं तो आप डाउट में हैं और डाउट वाली सारी बातें जो होती हैं वो रॉन्ग होती हैं संदेहपूर्ण होता है इफ यू आर श्योर वन टू नाइनटी नाइन परसेंट इट मीन्स यूर इन डाउट एंड ऑल द डाउटफुल थिंग्स आर रॉन्ग ऑल द डाउटफुल थिंग्स आर रॉन्ग तो इस बात को समझिए मुझे रीजनिंग पसंद है आप श्योर हैं पढ़ा रहा हूं तो हां मुझे जीके जीएस नहीं पसंद है इस पे भी आप हां कह सकते हो नहीं पसंद है मतलब ऐसा थोड़ी ना श्योरिटी के साथ कह रहे हो ना मुझे टेक्निक मैं इंजीनियर हूं इलेक्ट्रिकल इंजीनियर नहीं पसंद है मुझे टेक्निकल सब्जेक्ट तो मैं नहीं पढ़ाता हूं बट अगर आप संदेह की बात करें मैथ्स थोड़ा समझने की कोशिश करो मैथ्स अब मैथ्स रीजनिंग मिलता जुलता है अब क्या मुझे मैथ्स पसंद है अब कुछ लोग कहेंगे हाँ पसंद है कुछ लोग कहेंगे नहीं पसंद नहीं होगा नहीं पढ़ाता है बहुत सारी बातें हो सकती हैं तो मैं आसान शब्दों में आपसे क्या कहना चाह रहा हूं कि अगर आप हंड्रेड परसेंट श्योर हैं किसी चीज़ के बारे में संदेह नहीं कन्फर्म तो फिर वो बातें सही होती हैं उसकी पॉजिटिव बातें भी सही होंगी नेगेटिव बातें भी सही होंगी मतलब हाँ वाली भी बात सही होगी और ना वाली भी बात सही होगी बट अगर आपको एक से निन्या लेकर के निन्यानवे प्रतिशत तक श्योरिटी है किसी चीज में लेकर के तो आप डाउट में हैं और डाउट वाली सारी बातें जो होती हैं वो गलत होती हैं संदेह है पूर्ण बातें गलत होती हैं ये बात याद रहेगा या नहीं तो बस यही चीज आपको इस प्रश्न में अप्लाई करना था यही चीज आपको इस प्रश्न में अप्लाई करना था कि यहां पे आपको क्या कहा था कि आपको फ्रिज और मशीन के बारे का बारे में रिलेशन पता है कि कुछ फ्रिज मशीन है नो मशीन टीवी ये भी तुमको पता है कि कोई भी मशीन टीवी नहीं है अब पूछता है कि नो फ्रिज इज टीवी तो फ्रिज और टीवी के बीच में तो आपको संदेह है फ्रिज और टीवी के बीच आपको क्या है डाउट वाली बात है और डाउट वाली बात कैसी होती है गलत होती है हमको पता नहीं है कि नो फ्रिज इज टीवी ठीक है नो फ्रिज आर सम फ्रिज आर नॉट टीबी ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है इसको लिख लो स्टार मार्क मारो इस सेकेंड कंक्लूजन को एक्सक्लामेशन नोट यहां पे लगा लो या फिर कहीं लिख लो अगर आपको टाइम स्टैंप नहीं मिल है तो सम फ्रिज आर नॉट टीबी अब अभी जब मैंने कहा नो फ्रिज टीबी नो फ्रिज टीबी मतलब हंड्रेड परसेंट फ्रिज इज नॉट टीबी तो आपको पर बोला आपने पता नहीं पता नहीं तो मैंने गलत कर दिया अब मैं कह रहा हूं कि सम फ्रिज आर नॉट टीवी फ्रिज का कुछ हिस्सा फ्रिज का कुछ हिस्सा ये इस इस हिस्से में कौन है सम फ्रिज है इस हिस्से में कौन है सम फ्रिज है कहता है ये फ्रिज टीवी नहीं है ये बात तो सही है ना क्यों क्योंकि फ्रिज का कुछ हिस्सा मशीन के साथ है कुछ फ्रिज का कुछ हिस्सा किसके साथ है मशीन और पूरा का पूरा मशीन जो है वो किसके साथ नहीं है टीवी के साथ नहीं है तो मैं अगर इस चीज़ को यहाँ से ढक देता तो आपको दिख रहा होगा कि पूरा का पूरा मशीन टीवी नहीं है और मशीन के साथ कुछ हिस्से में कौन है फ्रिज तो कुछ फ्रिज भी क्या है टीवी नहीं है आपको कंफ्यूजन नहीं है संदेह नहीं है श्योरिटी है तो इसलिए ये बात सही हो गई सम मशीन इज फ्रिज बिल्कुल ये बात सही है दूसरा तीसरा सही है राइट आंसर इज बी यहां पे मैंने पोल आपको नहीं दिया था बहुत बढ़िया मनीष बहुत बढ़िया क्लियर कट बात आसान ओमकार, सौरभ प्रशांत ओसामा टेंशन चकाचक काम सुंदर बढ़िया काम हुआ अगला प्रश्न पे विचार आप लोग खुद से करेंगे सम और सम वाला है सम और सम वाला कोई पोल नहीं कोई प्रेशर मत लो आराम से करो बहुत बेसिक बेसिक क्वेश्चन से हम लोगों ने शुरू किया है ताकि आपकी अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो सम स्टूडेंट्स आर प्लेयर सम स्टूडेंट्स आर प्लेयर एंड सम प्लेयर्स आर एथलीट्स सम स्टूडेंट्स आर एथलीट्स देखो स्टूडेंट्स और एथलीट्स के बारे में हमें पता नहीं स्टूडेंट्स स्टूडेंट प्लेयर के बारे में पता है प्लेयर एथलीट के बारे में पता है लेकिन स्टूडेंट और एथलीट के बारे में हमें पता नहीं है तो स्टूडेंट एथलीट का पता नहीं है मतलब यह बात डाउटफुल है और डाउटफुल है तो क्या है गलत है ठीक है ठीक है सम प्लेयर आर स्टूडेंट ये है प्लेयर यह है स्टूडेंट सम प्लेयर आर स्टूडेंट बिल्कुल सही बात और नो स्टूडेंट इज एथलीट कोई भी स्टूडेंट एथलीट नहीं है भले ही आपको दिख रहा है लेकिन पता नहीं है ना इस बात को समझने की कोशिश करो अब आप एक कमरे में बैठे होंगे दरवाजे पे कोई आके बैठ गया होगा कोई गारंटी है कि उसको जानते हो आपके घर के बगल में एक रोड है जा रहा होगा कोई गुजर रहा होगा अब मैं कहूँ कि आप उस व्यक्ति को नहीं जानते हो तो आप कहोगे कि ठीक ही बात है जान भी तो सकते हो और मैं कहूं उस व्यक्ति को जानते हो यह भी बात सही नहीं है जान भी तो सकते हो तो भा... हमको एस और ए के बारे में कुछ पता नहीं है जब कुछ पता नहीं है तो जो भी इसके बारे में पूछेगा हमको डाउट है पूछा था सम स्टूडेंट्स आर एथलीट्स स्टूडेंट एथलीट्स डाउटफुल था और नो स्टूडेंट इज एन एथलीट ये भी बात डाउटफुल है ये भी बात डाउटफुल सिचुएशन अब इस बात को पढ़ के देखो कि रोड पे जो व्यक्ति जा रहा था दो संभावनाएं बनेंगी क्योंकि वो आपको दिख नहीं रहा था तो बातें डाउट में थी क्योंकि वो व्यक्ति तुम्हें दिख ही नहीं रहा था तो संदेह पूर्ण बातें थी और जो भी बातें संदेह पूर्ण होती हैं वहां पे दो केस अराइज होते हैं या तो हा या तो ना अब जैसे मैंने सुबह का नाश्ता किया या नहीं किया आपको नहीं पता आपने देखा नहीं तो या तो मैंने सुबह का नाश्ता किया होगा या मैंने सुबह का नाश्ता नहीं किया होगा या तो मैंने सुबह का नाश्ता किया होगा या फिर मैंने सुबह का नाश्ता नहीं किया होगा ठीक है तो इधर और के लिए क्या करना होता है कि पहला कंडीशन तो ये होता है कि दोनों ही कंक्लूजन डाउटफुल होने चाहिए गलत होने चाहिए एक कंक्लूजन पॉजिटिव होना चाहिए दूसरा नेगेटिव होना चाहिए और उसके एलिमेंट्स जो होने चाहिए वो समान होने चाहिए उसके जो एलिमेंट्स होने चाहिए वो समान होने चाहिए तो वैसे केस में आप ये नहीं कहेंगे कि पहला और तीसरा पहला और तीसरा जो है ना वो डाउटफुल होने के कारण गलत है वो गलत नहीं है वो डाउटफुल होने के कारण गलत है और अगर कोई भी चीज डाउटफुल है तो ईदर और का केस बन सकता है लेकिन उसके लिए तीन कंडीशन है उसके लिए तीन कंडीशन है कंडीशन फॉर आइदर और कंडीशन फॉर आइदर और पहला कंडीशन बोथ कंक्लूजन मस्ट बी डाउटफुल बोध कंक्लूजन मस्ट बी डाउटफुल ब्रैकेट में लिखेंगे आप रॉन्ग ब्रैकेट में रॉन्ग दूसरा वन कंक्लूजन मस्ट बी पॉजिटिव एंड अदर नेगेटिव एक कंक्लूजन पॉजिटिव होना चाहिए और दूसरा नेगेटिव होना चाहिए और तीसरा एलिमेंट्स ऑफ कंक्लूजन एलिमेंट्स ऑफ कंक्लूजन मस्ट बी सेम कंक्लूजन के जो एलिमेंट्स होने चाहिए वो समान होने चाहिए तो ये है कंडीशन फॉर आइदर और तो यहां पे देखो ना दोनों डाउटफुल है एक पॉजिटिव है सम है पॉजिटिव है यहां नो no लगा है नेगेटिव है स्टूडेंट स्टूडेंट एथलीट एटलीस्ट तो पहले और तीसरे में आइदर और लगेगा और दूसरा सही है सो द राइट आंसर वुड बी ए तो एक बार फिर से सुनो आइदर और क्या है एक बार फिर से सुनो आइदर और क्या है आइदर और तब आता है जब संदेह होता है अब जैसे मैंने सुबह का नाश्ता किया या नहीं किया अब इस बात में आपको संदेह है क्योंकि आप में से किसी ने नहीं देखा हो सकता है मैंने सुबह का नाश्ता किया होगा या ये भी हो सकता है कि मैंने सुबह का नाश्ता नहीं किया होगा तो उसी तरीके से मुझे एस और ए के बारे में संदेह था एस और ए के बारे में संदेह था पूछा था सम स्टूडेंट्स आर एथलीट्स मुझे पता नहीं था और फिर कह फिर कह रहा था नो स्टूडेंट इज एन एथलीट ये भी बात मुझे पता नहीं था तो दोनों ही बातें कैसी थी डाउटफुल थी डाउटफुल होने के कारण दोनों बात कैसे गलत हो गई एक पॉजिटिव है यहाँ नो no लगा है तो यह नेगेटिव है और इसके एलिमेंट समान है मैं एक ही चीज की बात कर रहा हूँ एक ही चीज की बात कर रहा हूँ तो आइर और दो चीज की बात होती तो नहीं होती मान लो ऐसा होता ना कि आपने तो मुझे सुबह नाश्ता करते नहीं देखा तो मैं करता कि मैंने सुबह नहा लिया और मैंने सुबह नाश्ता नहीं किया यहां आप इधर और नहीं लगाते क्योंकि मैं दो बातें कर रहा था एक तो मैंने सुबह नहा लिया और दूसरा मैंने सुबह नाश्ता नहीं किया नहाना और नाश्ता करना अलग अलग बातें हैं बातें एक ही होनी चाहिए एक ही व्यक्ति के बारे में बात होनी चाहिए एक ही बात होनी चाहिए जैसे यहां पे स्टूडेंट और एथलीट और स्टूडेंट और एथलीट की बात है एक पॉजिटिव एक नेगेटिव और दोनों के कंक्लूजन डाउटफुल है गलत है ठीक है और इधर और हमेशा दो ही कंक्लूजन मिलेगा ये मत कंफ्यूजन की तीन में लग जाएगा इधर और क्या होता है खाना खाओगे हा या ना मैंने पूछा आ, कुछ खाना खाने का मन है तो आप हा या ना ही कहेंगे ना रसगुल्ला खाएंगे हा या ना कहेंगे बात समझ में आई बताइए क्लियर है ऑब्वियसली आरती ओनली टू पॉसिबल इफ आई आस्क यू वॉन्ट टू रसगुल्ला सो वॉट विल से नो वट यू कैन से मैं तुमसे पूछूंगा कि रसगुल्ला खाओगी तुम थोड़ी ना कहोगी नहीं, नहीं भैया शॉपिंग करवाओ ये अलग चीज हो जाएगी यहां इस बात को समझिए है ना रसगुल्ला की बात करेंगे ना ये थोड़ी ना नहीं दो चार कपड़े खरीद दो ऐसा नहीं ठीक है अच्छा भैया समझ गया मतलब बातें भी सेम एंड वन एग्जैक्टली मानिक एग्जैक्टली exactly. भैया मैं अभी डिप्लोमा फोर्थ अभी रुक जा भाई तू तो, फोर्थ सेमेस्टर में रुको अभी तुम्हारे तो पास टाइम है अशोका बैच ठीक होगा विजय विनय अशोका सबसे बढ़िया बैच है हम लोगों का इसमें दूसरा फिगर भी बनाओ क्यों बनाए क्यों अपने अपने सर अपने पैर पे, कुल्हाड़ी क्यों मारे और तुम तो अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारने भी बात नहीं कर रहे हो तुम तो बात यह कर रहे हो कि कुल्हाड़ी रखा है पैर मार लो ये तो लीस्ट वांटेड वाली बात हो गई हमारे कॉलेज में एक हमारे मित्र हुआ करते थे जिनका नाम था आशीष मिश्रा ठीक है बड़े खतरनाक मित्र व्यक्ति भी बड़े खतरनाक कहीं कुछ मैटर हो रहा है वो उसमें इंक्लूडेड हो ना हो बंदा कूद जाता था लोग पैर पे कुल्हाड़ी मारते थे वो कुल्हाड़ी पे पैर मारता था हमने उसका नाम रख दिया था लीस्ट वांटेड ठीक है हमारा वाइवा हो रहा था फर्स्ट सेमेस्टर की बात है फर्स्ट सेमेस्टर बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में सर ने पूछ लिया पक्षी जब तार पे बैठता है चिड़िया जब तार पे बैठता है तो उसको करंट क्यों नहीं लगता है अब हम सब भी यही सोच रहे थे भाई क्या जवाब दे क्या जवाब दे बहुत नहीं पता था तो हमारे मित्र ने सर को यह समझाया कि सर एसी करंट ऐसे ट्रेवल करता है सबने बोला वाह वाह बहुत अच्छी बात हम लोग भी टेंशन में आ गए यार तो तो इतना पढ़ा लिखा व्यक्ति हमें तो भी नहीं पता है फिर बोला कि मान लीजिए चिड़िया ऐसे बैठा है कोई तार पे यहां पे यहां चिड़िया बैठा है ऐसे करके अब करंट ऐसे आ रहा है करंट देखा कि अच्छा चिड़िया है तो करंट या तो ऊपर चला जाता है या करंट नीचे चला जाता है उसको चिड़िया नहीं लगता है तो ये वो वाली बात तुम कर रहे हो भाई ठीक है तो तुम पे पैर नहीं मार पैर पे कुल्हाड़ी नहीं कुल्हाड़ी पे पैर मार ले रहा हूँ वो काम नहीं करना है ठीक <laughs> है ठीक है तो आइदर और का कंडीशन ये होगा आइदर और तब भी होगा जब आपको डाउट होगा जब आपको डाउट होगा ठीक है किसी के घर बच्चा होने वाला है किसी के घर मान लो बेबी होने वाला है तो क्या या तो उसके घर लड़का होगा या तो उसके घर लड़का नहीं होगा तो लड़का नहीं होगा तो लड़की होगी यही ना क्लियर कहां से आते हैं ऐसे लोग तेजस्वी लोग बोलो अगला क्वेश्चन चलो जल्दी से बताओ इस बार पोल मिलेगा तीस तीस सेकेंड उससे ज्यादा नहीं जल्दी जल्दी रफ्तार बढ़ाइए कुल्हारी सर <laughs> <laughs> मैं एकदम सच्ची कहानी आपको बताया हूं बहुत खतरनाक मित्र हैं हमारे वो और भी बड़े किस्से हैं लीस्ट वांटेड ऐसे ही उनका नाम नहीं था ऐसे मांगते थे भाई कुशल पांच सौ रुपए देगा अगर हो तो दे देता था बोलता दो दिन में दे दूंगा पता चला दो घंटे में ला करके पकड़ा दिया पांच सौ रुपए अगली बार मांगेगा एक हजार आप देंगे ही ना अभी इतना ईमानदारी दिखाया आपने एक हजार दे दिया अब छह दिन आपको नहीं मिलेगा फिर हम बोले भाई पैसे तो दे दे, दे। बोलेगा हाँ यार तेरे पैसे भूल गए फिर अरे अभिषेक एक हजार रुपए देना किसी और से मांग उससे मांग के आपको दे देगा फिर पता चला वो घूम रहा है ऑल क्लॉक और वॉचेस ये क्लॉक है ये वॉच है सम क्लॉक का अलार्म देखो अब सम क्लॉक का अलार्म ऐसे करोगे ना ऐसा मत करना कि ऑल क्लॉक वॉचेस एंड सम क्लॉक अलार्म बात ठीक है लेकिन यहां पे प्रॉब्लम क्या आया यहां पे प्रॉब्लम क्या आया ऑल अलार्म को आपने वॉच बना दिया ये ठीक है कुछ अलार्म वॉच बनेगा सम अलार्म वॉच हाँ ऑल वॉच आर अलार्म ऑल वॉच आर अलार्म नहीं पहला बात सही किधर है ए सही जवाब देने वालों की संख्या कितनी कितनी सत्तर गलती वाले थोड़ा ध्यान दीजिए उत्कर्ष सौरभ शिवम थ्री टॉप रैंक होल्डर्स प्रॉब्लम गोयल क्या कर रहा है भाई कहा नहीं तुमको दिख रहा है बेटा कि सम वॉचेस कुछ अलार्म कुछ अलार्म वॉचेस है ना ठीक है ऑल 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 जल्दी हो जाएगा इसमें प्रॉब्लम नहीं होगा ठीक है हिंदी वालों का दिमाग घूम जाएगा फेस ब्लू स्माइलिंग फेस ब्लू स्माइलिंग ब्लू स्माइलिंग फेस ब्लू क्योंकि अच्छा इस क्वेश्चन के बाद एक बार देखते हैं खत्म पोल खत्म एक बार पिछला देखें हिंदी में अजी अजी अलग है नहीं ठीक तो है ऑल द मोबाइल आर शार्पनर ऑल द मोबाइल आर शार्पनर एंड ऑल द शार्पनर आर कंप्यूटर ऑल द शार्पनर आर कंप्यूटर हो गया ऑल द मोबाइल आर कंप्यूटर है ऑल द शार्पनर आर मोबाइल शार्पनर मोबाइल नहीं है सम के कंप्यूटर मोबाइल है पहला दूसरा चौथा सही है ऑल द कंप्यूटर आर शार्पनर ऑल द कंप्यूटर शार्पनर नहीं दूसरा चौथा सही किधर है दूसरा चौथा सही दूसरा चौथा सही बी राइट आंसर वुड बी बी सही जवाब क्या किया है भाई तुम लोगों ने क्या किया है तुम लोगों ने गलती किया है ना क्या गलती कर रहे हो भाई तुम लोग ये वाली बात जो है देखो ऑल मोबाइल आर नहीं ये पहला है ऑल द कंप्यूटर आर शार्पनर ऑल कंप्यूटर शार्पनर कहाँ है ठीक है ऑल द मोबाइल आर कंप्यूटर ऑल मोबाइल कंप्यूटर है ऑल द शार्पनर आर मोबाइल ऑल द शार्पनर मोबाइल नहीं है सम कंप्यूटर और मोबाइल ये भी है इसमें क्या गलती कर दिया बस यही स्पीड तो बनाना है राहुल ठीक है तो पोल में अच्छा वो पोल मिनिमाइज हो गया था कोई बात नहीं जाने दीजिए नीचे भी ढका हुआ था सो द राइट आंसर वुड बी इसका सही जवाब क्या हो जाएगा बी टू एंड फोर अगला देखो यह तो क्लियरली ऑप्शन दिख रहे हैं ना आपके सम क्यूब्स आर क्यूबॉयड क्यूब आर क्यूबॉइड एंड सम क्यूबॉइड आर सिलेंडर सम क्यूबॉयड आर सिलेंडर नो क्यूब इज सिलेंडर क्यूब सिलेंडर नो क्यूब इज सिलेंडर हमको पता नहीं है क्यूब और सिलेंडर का रिलेशन तो डाउटफुल है गलत है ऑल आर सिलेंडर क्या ऑल क्यूबॉइड सिलेंडर है नहीं है सम क्यूब आर सिलेंडर सम क्यूब आर सिलेंडर हमको क्यूब और सिलेंडर के बारे में रिलेशन नहीं पता है तो ये वाला बात हो गया पॉजिटिव ये वाला बात हो गया नेगेटिव क्यूब क्यूब सिलेंडर सिलेंडर दू, दूसरा तो गलत ही है पहले तीसरे में इधर और लगेगा पहले तीसरे में इधर और लगेगा राइट आंसर सी हो जाएगा बहुत बढ़िया प्रॉब्लम किसी के मन में दुविधा अगला क्वेश्चन देखो जरा अगला क्वेश्चन देखो इस पे पोल और इसको जल्दी परफेक्शन में लाओ तब हम लोग थोड़ा सा लेवल बढ़ाएंगे बहुत बेसिक लेवल पे चल रहे हैं अभी बहुत बेसिक लेवल पे चल रहे हैं अभी और आपको मैं याद दिला दो आज शनिवार है आप कहेंगे क्या ही याद दिला रहे हो पता है बजरंग वाली का दिन है और ऐसा वैसा मैं आपको यह याद दिला रहा था कि शनिवार रविवार एक दिन टेस्ट देना है आपको मॉक टेस्ट मंडे को हम लोग उस पर डिस्कशन करेंगे कि क्या इम्प्रूवमेंट है सिर्फ क्लास करने से काम नहीं होगा मेरे लाल लालियों ऑल लेबर्स आर वर्कर्स ऑल वर्कर्स आर एजेंट सम एजेंट एजेंट आर आर वर्कर वर्कर सम ठीक है सम एजेंट आर लेबर ठीक है ऑल वर्कर आर लेबल ऑल वर्कर आर लेबल गलत लेबर्स गलत है पहला दूसरा सही है पहला दूसरा सही है बी आंसर प्रॉब्लम वाली बात किसी के मन में बहुत बढ़िया उसामा, राइट आंसर हम्म क्या कर रहे हो तुम लोग नलायको ऐसे नहीं चलेगा अनुभव गुड आशी बढ़िया ऑल बढ़िया। सम अब ये सब खुद से करोगे आप लोग ठीक है ऑल और सम खुद से करोगे अब नया टाइप पे चलेंगे हम लोग ऑल सम ये सब प्रैक्टिस के लिए आपके डाला है मैंने ठीक है ये सब हो जाएगा यहां तक की बातों में कॉन्फिडेंस आया या नहीं आइदर और समझ रहे हैं या नहीं आइदर और समझ गए बेसिक बेसिक बात समझ गए डाउट में कुछ है डाउट ओके okay, सर ये फिर कौन सा भैया आपने कहा यू वॉन्ट टूडे तो हाई चांसेस है आपको घर पे ब्रेकफास्ट नहीं मिला तो ये बाप खतरनाक दिमाग <laughs> खतरनाक दिमाग स्टिल कंफ्यूज व्लीज मी देखो उससे बेटर ये होता ना, टाइगर भाई टाइगर भाई भी हमारे क्लास में है डिस्कशन करते।, करते आईदर और नाइ नाइदर क्या होता है नाइदर तो मैंने कुछ बोला ही नहीं नाइदर के बारे में तो कुछ मैंने कहा ही नहीं देखिए इस क्वेश्चन को करते हैं अगर आप लोग कंफ्यूज हैं तो ऑल क्लाउड आर फॉग एंड ऑल फॉग आर वाइट ठीक सम वाइट आर क्लाउड व्हाइट का कुछ हिस्सा क्लाउड है सम फॉग आर क्लाउड है दोनों बात सही मेहनत कर अरे यार कैसा कैसा आप तो, इसका डाउट ही नहीं पढ़ पा रहा हूं मैं आप टेलीग्राम पे देखते हैं टेलीग्राम पे मैं हर क्लास के तुरंत बाद पांच से दस मिनट में इस पूरा पीडीएफ को डाल देता हूं पूरा पीडीएफ को डालता हूं ठीक है अच्छा कुछ लोगों को कंफ्यूजन किसमें है ईदर और में ना अब जैसे देखो नीदर वाली बात नीदर वाला बात क्या है इधर पे चलते हैं, एक बार नीदर देख लो सम वैन आर बॉटल सम वैन आर बॉटल एन ऑल बॉटल आर पिंक कुछ वैन क्या है बॉटल है और सारे बॉटल क्या है पिंक है कंक्लूजन क्या कह रहा है ऑल वैन आर पिंक क्या सारे वैन पिंक है नहीं है नहीं है डाउटफुल नहीं है हम श्योर हैं ये इसमें हम डाउट में नहीं हम श्योर हैं कि ऑल वैन पिंक नहीं है ऑल बॉटल आर वैन क्या सारे बॉटल वैन है ये बात भी नहीं है हमको डाउट नहीं है दोनों बात गलत है कोई डाउट वाली बात ही नहीं है ना इधर नाइधर नॉर का कोई नियम नहीं है दोनों बात गलत है तो नाइधर ठीक है ठीक है सम सॉन्ग आर मूवीज सम सॉन्ग आर मूवीज ऑल सॉन्ग आर आर्टिस्ट ऑल द आर्टिस्ट आर सॉन्ग क्या रे? सारे आर्टिस्ट सॉन्ग है नहीं नो मूवी आर आर्टिस्ट नो मूवी आर आर्टिस्ट गलत बात कह रहा है ऑल मूवी आर आर्टिस्ट यहां पे एंड नो मूवी आर सॉन्ग ये बात भी गलत है सारी बातें गलत है ऑप्शन पढ़ो ऑप्शन पढ़ो नन ऑफ द कंक्लूजन फॉलोस नन ऑफ द कंक्लूजन फॉलोस योगी जी योगी जी ये क्या कर रहे हैं आप ओसामा को बुला रहे हैं आप यूपी हा क्लियर Clear? यहां तक की बातें ठीक है कोई प्रॉब्लम है तो बताइए नहीं अगला क्वेश्चन देखिए आइदर को एक बार और रिवाइज करना है चिंता मत कीजिए हाँ संकेत बताइए ना मैं आपके कमेंट देख रहा हूं सर वैन गलत है आर्टिस्ट वाला सर्कल सॉन्ग के ऊपर एक मिनट मानिक का कुछ प्रॉब्लम है आर्टिस्ट सॉन्ग कौन सा क्वेश्चन है आर्टिस्ट और सॉन्ग हाँ सम सॉन्ग आर मूवी सम सॉन्ग आर ऑल सॉन्ग आर आर्टिस्ट हाँ गलत है थैंक यू सम सॉन्ग आर मूवी ऑल सॉन्ग आर आर्टिस्ट इधर बनेगा ठीक है ऑल सॉन्ग आर आर्टिस्ट ऑल आर्टिस्ट आर सॉन्ग ऑल आर्टिस्ट सॉन्ग नहीं नो मूवी आर आर्टिस्ट गलत नो मूवी आर सॉन्ग गलत तीनों बातें गलत ठीक है यहां तक ठीक है ठीक है जीएस में कौन कौन से पेपर होंगे जनरल साइंस फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी और जीके जीएस है जीके में हिस्ट्री पॉलिटी इकोनॉमिक्स ज्योग्राफी और करंट अफेयर बस यही आठ पेपर होते हैं इकट्ठे होंगे ठीक है चलो अभी देखो कुछ लोगों को अभी भी क्लैरिटी नहीं आई होगी मत परेशान हो अभी चीजें खत्म नहीं हुई है अभी चीजें खत्म नहीं हुई है फिर से ठंडे दिमाग से देखो ठीक है नो पंपकिन इज अ ये क्या है गुआवा है तो नो पंपकिन इज अ नो गुआ इज पी कोई भी गुआवा क्या नहीं है पी नहीं है मटर नहीं है पंपकिन नहीं है ठीक है नो पंपकिन इज गुआ नो no भाई डायग्राम क्लियर है सबको ठीक है सम वाला कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हो रहा है लेबर वर्क का ठीक है संकेत अभी वैसा एग्जाम्पल और लेंगे चिंता मत कीजिए ठीक है क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन देखते हैं अच्छा तीन है ये ऊपर नीचे हो गया है सम सम, 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 सम सम एक बार रुको भाई इसको ना सजाने में थोड़ा गड़बड़ हुआ है ये पहला स्टेटमेंट ये दूसरा स्टेटमेंट और यह तीसरा स्टेटमेंट सम पीज आर पोटैटो सम पीज आर पोटैटो पोटैटो आलू सम पीज आर पोटैटो तीनों बातें हो गई कंक्लूजन पे बात करते हैं सम पंपकिन आर पोटैटो पंपकिन ये पोटैटो ये इनके बीच कुछ पता है हा ना कुछ नहीं पता है तो ये वाली बात डाउटफुल के कारण गलत है फिर से मुझे पी और pumpkin के बारे में नहीं पता है डाउटफुल सम पंपकिन आर नॉट पोटैटो सम पंपकिन आर नॉट पोटैटो मुझे पता ही नहीं है तो ये वाली बात भी फिर कैसी है डाउटफुल होने के कारण गलत है ठीक है अब एक सिंपल सी बात समझने की कोशिश कीजिए कि पहला वाला बात डाउटफुल है और ये पॉजिटिव है ठीक है तीसरा वाला बात पंपकिन आर नॉट पोटैटो ये डाउटफुल है और नेगेटिव है और एलिमेंट जो है उसके सेम है क्यों यहाँ पंपकिन है यहाँ पंपकिन है यहाँ पोटैटो है यहाँ पोटैटो है, है तो पहले और तीसरे में आपको क्या है आईधर और का डाउट है पहले और तीसरे में क्या है आपको आईधर और का डाउट है आइदर और क्लियर हुआ आइदर और हमेशा दो ही कंक्लूजन पे लगेगा अब याद करना चाह रहे हो तो ऐसा याद कर लो लेकिन मैंने समझाने की कोशिश की आइदर और मतलब क्या या तो ये या तो ये ठीक है या तो ये या तो खाना खाओगे या खाना नहीं खाओगे ऐसे नहीं कहेंगे ना कि हम खाना खाएंगे नहाएंगे नहीं ठंडा का मौसम नहीं है ना ठीक है और ऐसा कहोगे तो मम्मी आ जाएंगी और मम्मी वाला बात तुमको पता ही है मम्मी अच्छा बाहर आ जाओ नहीं मारेंगे माँ ने अगर ये बात कह दिया कि अच्छा घर आ जाओ नहीं कुछ बोलूंगी नहीं पापा को बताऊंगी नहीं पीटूंगी तो यह निश्चित है कि आपके सर पे काल आ चुका है एक बार पिता कह देना चल जाने दे घर आ जाओ तो छोड़ देंगे माँ ने अगर यह कह दिया चलो जाने दो घर आ जाओ बात करते हैं मतलब वो बात है पिटाई सिंपल सी बात ठीक है हाँ फिर बाद में सूद दिया जाता है सही बात आइदर और क्लियर हो गया आइदर और क्लियर हुआ देखो ऑल बर्ड आर काउ सम काउ और डॉग जल्दी करने की कोशिश करो ऑल बर्ड आर काउ सम काउ आर डॉग सम डॉग आर बर्ड डॉग बर्ड के बीच कोई रिलेशन नहीं डाउटफुल है गलत है सम काउ आर बर्ड सही बात दूसरा बात सही है राइट आंसर डी है क्लियर नहीं हो रहा है क्या क्लियर नहीं हो रहा है मॉक कहां से दे पीडब्ल्यू एप्लीकेशन पे जाके मॉक टेस्ट ले लीजिए बात खत्म कीजिए वंस अगेन भैया इधर और अभी हो गया कि शॉर्ट्स कल संडे मैराथन होगा क्या नहीं कल क्लास ही होगा पॉजिटिव नेगेटिव कैसे मालूम करें पॉजिटिव मतलब ऑल और सम पॉजिटिव नो लग गया तो नेगेटिव क्लियर नहीं हो रहा है क्या क्लियर नहीं हो रहा है ऑल और सम मतलब यहां देखो सम है तो पॉजिटिव है और यहां नो no है तो नेगेटिव है ठीक है संकेत भाई लेबर वाले क्वेश्चन पे अटके हुए अब कहां से मैं यार लेबर वाला क्वेश्चन वैसा और क्वेश्चन लिया ही होगा अब एग्जैक्टली exactly उसी क्वेश्चन तुम लोग ना अपने आप पे भरोसा ही करना छोड़ दे रहे हो प्रॉब्लम यही है निश्चित है कि वैसा क्वेश्चन मैंने कोई ना कोई लिया ही होगा लेबर वाला अब दिखी दिखे तब तो कारपेंटर मिला भाई तुम्हारा वो क्वेश्चन ही नहीं दिख रहा है ये लो ऑल लेबर आर वर्कर ऑल वर्कर आर एजेंट सम एजेंट आर वर्कर सही बात है ना जैसे देखो ना ये सेंटर मान लो ठीक है अब यहां से यहां तक लेबर यहां से यहां तक वर्कर और यहां से यहां तक एजेंट तो कहता है सम एजेंट आर वर्कर तो एजेंट का ये लाइन है देखो ना वर्कर है ना ठीक है सम एजेंट आर लेबर सम एजेंट आर लेबर ये भी तो बात है ना और ऑल वर्कर आर लेबर कहा ऑल वर्कर लेबर है ये बात तो नहीं है ना नहीं रा, राज ये सही नहीं है क्योंकि पोल का क्या है अब ये पोल जो है ना कुछ लोग पोल समझ रहे हैं कुछ लोग पोल अभी भी नहीं समझ रहे हैं कुछ लोग यूनिटी समझ गए हैं कुछ लोग नहीं समझ गए तो अभी नहीं अभी पहले एक बार पूरा सिलेबस डिस्कस करके और फिर मॉक करेंगे पचास क्वेश्चन वाला मॉक होगा अभी थोड़ा धैर्य रखो ठीक है ऑल लेबर वर्कर बोथ क्या क्या ऑल लेबर आर वर्कर ऑल वर्कर एजेंट सर ऑल लेबर वर्कर बोहा क्या होगा क्या ऑल लेबर वर्कर हाँ उत्तर दिया ही गया है ना दिया ही गया है संकेत क्लियर हुआ यहां तक हो गया ना अगला क्वेश्चन देखिए जल्दी कीजिए बेसिक क्वेश्चन अभी हम लोग बेसिक पे ही पढ़े हुए हैं अभी हम लोग बेसिक पे ही पढ़े हुए हैं सीआईए <laughs> मस्ती मजाक छोड़ो ओसामा को कह रहा है प्लीज शेयर हो लोकेशन नेवी सील सम डॉक्टर आर साइंटिस्ट सम साइंटिस्ट आर इंजीनियर कुछ लोग कह रहे होंगे भैया डॉक्टर को इंजीनियर भी बनाओ हम लोग कुछ भी कर सकते हैं ना वकालत कर लो कंक्लूजन <laughs> क्या कहता है ऑल इंजीनियर आर डॉक्टर है क्या डाउटफुल है इंजीनियर डॉक्टर के बारे में पता नहीं सम डॉक्टर आर इंजीनियर गलत है आइदर और लगा दे बोलो तो जरा आइदर और लगा दे कि ये वाला बात पॉजिटिव है और ये नेगेटिव नहीं है ये भी पॉजिटिव है गड़बड़ मत करना गड़बड़ मत करना आइदर और जो लोग कष्ट में थे ना देखो आपको डॉक्टर और इंजीनियर के बारे में पता नहीं ना था डाउट में थे ना आप लोग संदेह में थे ना तो बात इतनी सी थी कि जब डॉक्टर और इंजीनियर को जान नहीं रहे थे तो पूछा और इंजीनियर और डॉक्टर तो पता नहीं था डाउटफुल था सम डॉक्टर और इंजीनियर पता नहीं था डाउटफुल था लेकिन इसको पढ़ के आप ये नहीं कह सकते थे कि आइदर और होगा अलग अलग बातें हो रहा है ना ऑल इंजीनियर आर डॉक्टर सम डॉक्टर आर इंजीनियर नो होना चाहिए था कहीं ने एलिमेंट भी सेम है इंजीनियर इंजीनियर डॉक्टर डॉक्टर लेकिन आइदर और नहीं लगेगा नाइदर नॉर होगा दोनों ही गलत है दोनों ही डाउटफुल है इसको खुद से कर लेंगे आप लोग टेंशन नहीं आएगा अब ये देखो 2023 में ऐसा क्वेश्चन पूछा गया 2023 में ऐसा क्वेश्चन पूछा गया अब हम थोड़ा आगे बढ़ चुके हैं अब पीछे की बात नहीं होगी यहां तक का एक बार डाउट बोले पॉजिटिव नेगेटिव कैसे हो रहा है समझ अभी आ गया कौशिक पॉजिटिव मतलब ऑल और सम होता है तो पॉजिटिव नो no नॉट नेगेटिव थोड़ा बुद्धि भी लगाना है मेरे भाई थोड़ा बुद्धि नेगेटिव क्या है नो no, नॉट नेगेटिव वर्ड्स है भैया इसमें परफेक्शन तो आ जाता है बट नंबर सीरीज के शॉर्ट तुम्हारा सर अगर मुझे मिल जाता ना मैं आज के आज उसको टहस नहस कर देता हम लोग कहां बात कर रहे हैं तू कहां लगा हुआ है रुक जा भाई यहां पे क्या है नो 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 बलम यू आर थिंकिंग एग्जैक्टली रॉन्ग डेंट से एनी थिंग दैट फॉर नीदर नॉट यू हैव पॉजिटिव पॉजिटिव नो दैट्स नॉट अ रूल दॉट अ लॉजिक प्लीज डू नॉट ओवर थिंक एक्स्ट्रा मत सोचिए शक्तिमान मत बनिए अब इधर देखिए सम टीयर आर ड्रॉप वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दो हजार तेईस में ऐसा ही क्वेश्चन आया था एक समर आर ड्रॉप ये टीयर ये ड्रॉप सम ड्रॉप आर स्ट्रीम सम टीयर आर ड्रॉप some drop are stream all stream are river all stream are river ठीक है कुछ tier क्या है drop है कुछ drop क्या है stream है all stream क्या है river है conclusion कहता है all tier can never be river ठीक है all tier can never be सभी आंसू कभी नदी नहीं हो सकते तो ऑल टियर कैन नेवर भी अब देखो कैन वर्ड लगता है ना तो हमें क्या लगता है कि पॉसिबिलिटी है पॉसिबिलिटी संभावना हो सकता है तुम इंजीनियर हो नहीं हो सकते हो लेकिन जब लग गया ना कैन नेवर क्या वर्ड आ जाए कैन नेवर तो ये पॉसिबिलिटी नहीं होता है लोग प्रायः कैन को देख करके कंफ्यूज हो जाते हैं कि कैन नेवर जो है वो पॉसिबिलिटी है नहीं है पॉसिबिलिटी में इसके बेसिस पे क्वेश्चन आया है तो पूछ रहा है क्या सभी आंसू कभी नदी नहीं हो सकते हैं क्या कह रहा है ऑल टीयर कैन नेवर बी रिवर सारे के सारे टीयर जो हैं वो नदी नहीं हो सकते हैं सम ड्रॉप आर रिवर अब उस पर आएंगे जरा बाकी को निपटा लेते हैं सम ड्रॉप आर रिवर कुछ ड्रॉप क्या है रिवर है तो कुछ ड्रॉप और रिवर यह बात है और तीसरा कह रहा है ऑल टियर बीइंग स्ट्रीम इज अ पॉसिबिलिटी बीइंग स्ट्रीम इज अ पॉसिबिलिटी अब इस क्वेश्चन के माध्यम से हम पॉसिबिलिटी को समझेंगे इस क्वेश्चन के माध्यम से हम पॉसिबिलिटी को समझेंगे अब व्हाट इज पॉसिबिलिटी लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस देखिए सबसे पहली बात आप यह समझ लीजिए कि ऑल टीयर कैन नेवर बी रिवर सभी आंसू कभी नदी नहीं हो सकते हैं तो क्या आप एक ऐसा डायग्राम बना सकते हैं जिसके माध्यम से सारे के सारे जो टीयर हो सारे के सारे जो आंसू हो वो रिवर के अंदर आ जाए हम बना सकते हैं देखिए हम कैसे बनाते हैं। वैसे सिचुएशन में सम टीयर आर ड्रॉप सम ड्रॉप आर स्ट्रीम एंड ऑल स्ट्रीम आर रिवर आई कैन ड्रॉ आर डायग्राम हम बना तो सकते थे ना प्लीज uh, लास्या वलम प्लीज हैव अ पेशेंस आई आई गेट बैक टू यू प्लीज हैव पेशेंस सो ऑल टीयर कैन नेवर बी रिवर ये बात गलत है ऑल टीयर रिवर हो सकता है हो सकता है तो यह बात गलत है अब बात है ऑल टीयर बींग स्ट्रीम इज अ पॉसिबिलिटी सारे के सारे टीयर स्ट्रीम हो जाते सभी आंसू के धारा होने की संभावना है क्या यह चीज संभव है बताइए ऑल टीयर बींग स्ट्रीम यह भी संभव है कैसे संभव है इस बात को समझिए देखिए पॉसिबिलिटी क्या है एक्सक्लेमेशन नोट लगा लो हम क्वेश्चन के माध्यम से कॉन्सेप्ट और ट्रिक को समझ रहे हैं पॉसिबिलिटी क्या है पॉसिबिलिटी क्या है अगर मैं आपको एक स्टेटमेंट ऑल ए इज बी स्टेटमेंट है ऑल ए इज बी तो इसका आपने एक डायग्राम बनाया ये ए है और सभी ए क्या है बी कंक्लूजन आता है मान लीजिए पहला तो ऑल बी बीइंग ए इज अ पॉसिबिलिटी ऑल बी बीइंग ए इज अ पॉसिबिलिटी सभी बी के ए होने की संभावना है सभी बी के ए होने की संभावना है क्या आप एक ऐसा डायग्राम बना सकते हैं जिससे सारे के सारे बी ए हो जाए और हमारा स्टेटमेंट भी ना बिखरे हम बिल्कुल बना सकते हैं एक ऐसा डायग्राम जिसमें सारे बी क्या हो जाए ए हो जाए हम ए इज इक्वल टू बी कर देंगे क्योंकि कहा है ऑल ए इज बी सभी ए बी है सभी ए बी है मतलब सभी बी ए हो सकता है तो ये बात सही है लेकिन इसको हम जल्दी कैसे बनाएं क्या हर बार इस डायग्राम को बना के अपना हम समय वेस्ट करेंगे तो नहीं करेंगे सिंपल सा बात इसको करने का एक आसान सा तरीका है कि इस क्वेश्चन का आप इस कंक्लूजन का आप सैंपल निकालिए सैंपल होता है बिना पॉसिबिलिटी का सैंपल क्या है ऑल बी इज ए ये सैंपल है सभी बी ए है क्या सभी बी ए है नहीं है मतलब इस बात में हमको क्या है डाउट गलत है और जो भी बात डाउटफुल होता है वह गलत होता है और अगर वह बात डाउटफुल है तो वह बात पॉसिबिलिटी में हमेशा सही होता है क्या कहा फिर से सुनो आई ए इज बी दैट इज आई नो हंड्रेड परसेंट अबाउट ए I know hundred percent about A that all the part of A is B. I do not know hundred percent about B. मैं B के बारे में सौ प्रतिशत नहीं जानता हूँ. I'm not aware about this part of B, whether that is A or not. हम इस बाहर वाले B के बारे में नहीं जानते. तो मेरे बारे में hundred percent नहीं जानते हो ना. Getting my point? You do not know hundred percent about me. You know some of my parts. I love reasoning. I teach reasoning. My name and all. डू नॉट नो यू डू नॉट नो वट इज वट आर माई फेवरेट फूड क्यूज वट आर माई फेवरेट रेस्टोरेंट वट आर माई फेवरेट प्लेसेस तो अगर मैं कहूं कि मुझे बंजिन जम्पिंग करना पसंद है सो पॉसिबिलिटी में हो सकता है क्योंकि तुम डाउट में थे ना तुमको मेरा हैबिट नहीं पता है कि मुझे बंजी जंपिंग पसंद है या नहीं पसंद है मतलब वहां पे तुम क्या थे डाउट में थे एंड ऑल द डाउटफुल थिंग्स आर गोइंग टू बी ट्रू इन पॉसिबिलिटी सारे के सारे डाउटफुल थिंग्स जो होंगे वो पॉसिबिलिटी में सही होंगे तो इसको करने का सबसे आसान तरीका यही है कि आप सैंपल निकालो सैंपल मतलब बिना पॉसिबिलिटी का ऑल बी बींग एज अ पॉसिबिलिटी सभी बी के ए होने की संभावना है इसका सैंपल क्या है ऑल बी इज ए अब इसको चेक करो क्या सभी बी ए है सभी भी ये है नहीं है डाउट है गलत है अगर डाउट है गलत है तो वो सही है पॉसिबिलिटी में वो सही है ठीक है दूसरा अगर मैं कहता हूं मान लीजिए कि सम ए कैन बी बी ठीक है हिंदी में इसको कहेंगे कुछ ए बी हो सकता है कुछ ए बी हो सकता है तो हम इसका क्या निकालते हैं सैंपल हम इसका सैंपल निकालते हैं सैंपल क्या है बिना पॉसिबिलिटी का सम ए इज बी अब यह बात तो बिल्कुल सही है ना जब पूरा ए बी है तो थोड़ा ए भी तो बी ही है जब पूरा ए बी है तो थोड़ा ए भी तो क्या है बी है तो जब है तो इसके होने की संभावना नहीं है अब भाई जो चीज है उसकी संभावना क्या होगी तुम अभी सरकारी नौकर नहीं हो तो तुम्हारे सरकारी नौकर बनने की संभावना है तुम अभी जूनियर इंजीनियर नहीं हो सो देर इज अ पॉसिबिलिटी दैट यू विल और यू कैन बिकम जूनियर इंजीनियर असिस्टेंट इंजीनियर गवर्नमेंट यू गेट मे गेट अ गवर्नमेंट जॉब बट यू हैव वन अगर तुम जूनियर इंजीनियर हो और फिर मैं कहूं तुम्हारे जूनियर इंजीनियर की बनने की संभावना है तो तुम नहीं कहोगे पगला गए हो भैया क्या सो so, सिंपल सी चीज मैं इतनी सी बात कहना चाह रहा हूं कि जो चीज सैंपल में डाउट है गलत है वो चीज पॉसिबिलिटी में सही होता है और जो चीज सैंपल में सही है वो पॉसिबिलिटी में गलत होता है जो चीज पॉसिबिलिटी में सही है सैंपल गलत है सैंपल में वो पॉसिबिलिटी में सही है जो चीज सैंपल में सही है पॉसिबिलिटी में गलत है इतनी सी बात है आसान सी बात यही है इतनी सी बात है आसान सी बात यही है समझ गए देखो ठीक है अब इस क्वेश्चन पे आओ फिर से इसी क्वेश्चन हम यहीं पे ठहरे हुए हम कहीं बाहर बा, 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 नहीं जा रहे हैं यहां पे कह रहा था कि ऑल ट्री ऑल टीय कैन नेवर मतलब हंड्रेड परसेंट पॉसिबिलिटी एक पुरुष कभी भी बच्चा नहीं दे सकता है वी आर हंड्रेड परसेंट श्योर अबाउट दिस अब ये नहीं कि अमेरिका में एक रिसर्च हुआ था ऐसा हुआ ठीक है मैंने भी पढ़ा है बट बायोलॉजिकली जो भगवान ने हमें रूप दिया है यही रूप है तो कैन नेवर जो है वो पॉसिबिलिटी नहीं है तो आपको बस ये चेक करना है क्या सभी टीयर सभी आंसू कभी नदी नहीं हो सकते हैं तो गलत बात है भाई हो सकते हैं हम एक ऐसा डायग्राम इसको बना सकते थे और ऐसा डायग्राम अगर हमने बनाया तो स्टेटमेंट इस भी इसका नहीं बिगड़ा है लेकिन हम तीसरा पॉइंट चेक करते हैं कि ऑल टीयर बींग स्ट्रीम इज अ पॉसिबिलिटी तो हम इसका सैंपल चेक करेंगे सैंपल क्या होता है बिना पॉसिबिलिटी का तो सैंपल है ऑल टीयर इज स्ट्रीम इसका सैंपल क्या है इसका सैंपल है ऑल टीयर इज स्ट्रीम और डायग्राम वो है देखो टीयर और स्ट्रीम क्या सभी टीयर स्ट्रीम है नहीं है मतलब ये बात कैसा है गलत है अगर ये बात गलत है तो पॉसिबिलिटी में यह बात सही है पॉसिबिलिटी में यह बात सही है तो पहला सही हो जाएगा मैंने जो कहा है ना एक बार सोचो मैंने जो बात कही है ना आप इस बात के बारे में एक बार सोचिए फिर आप अपना डाउट का पिटारा मेरे सामने खोलिएगा अभी नहीं पहले आप एक बार सोचिए क्या क्या मैंने बातें कही हैं ट्राई टू रिकॉल दैट उस बातों को एक बार रिकॉल करने की कोशिश कीजिए तो फटाफट जल्दी विचार करो विचार करो मैंने क्या बातें बोली आराम से विचार करो कोई हड़बड़ी वाली बात नहीं है समझे गए गॉट इट गॉट इट एग्जैक्टली अंकित जो चीज डाउटफुल होता है वो पॉसिबिलिटी में सही मतलब पॉसिबिलिटी क्या है जो नहीं है वही तो होना संभव है ना और जो है वो होना क्या संभव है जो चीज है तो है संकेत कह रहा है भैया मैंने आपका दूसरा डायग्राम पहले में ही निकाला था क्या वो गलत है बिल्कुल अगर इस क्वेश्चन के लिए ये डायग्राम ही सही है ये गलत डायग्राम है यह बस समझाने के लिए बताया। बताए संभव डायग्राम है पॉसिबल डायग्राम शुरुआत में ही बताया था लीस्ट ओवरलैपिंग डायग्राम बनाना होता है लीस्ट ओवरलैपिंग डायग्राम वैसा डायग्राम जो जिससे एक्स्ट्रा कंक्लूजन निकल के ना आए तो कहीं ना कहीं कैन नेवर जो है कैन नेवर जो है ये पॉसिबिलिटी नहीं है नॉट पॉसिबिलिटी प्रायः लोग इस बात से कंफ्यूज होते हैं पहली बात तो ये तो ऑल टीयर कैन नेवर बी रिवर ये बात गलत है सारे टीयर रिवर हो सकते हैं ऑल टीयर बींग पॉसिबिलिटी तो इसका सैंपल निकालेंगे वो क्या है ऑल टीयर इज स्ट्रीम अब जब ऑल टीयर इज स्ट्रीम सैंपल में कोई बात गलत है तो पॉसिबिलिटी में वो वाला बात क्या है सही है ठीक है ओके okay, ओके okay. तो इस बात को समझिएगा ठीक है इसको करने की कोशिश कीजिए ऑल मैन आर ओल्ड ऑल मैन आर ओल्ड ऑल वुमेन आर ओल्ड ऑल मैन आर ओल्ड सभी आदमी बूढ़े हैं ऑल वुमेन आर ओल्ड ऑल मैन आर वुमेन मैन वुमेन के बारे में हमको रिलेशन नहीं पता है गलत है ऑल ओल्ड ऑल ओल्ड आर ईदर मैन और वोमेन सभी ओल्ड या तो पुरुष है या वोमेन है यह बात भी गलत है दोनों बात गलत है राइट आंसर सी है राइट आंसर सी है क्लियर कट बात है इजी काम है ये सारे प्रश्न बहुत आवश्यक हैं 2023 के लिए बहुत आवश्यक है ये कर लोगे ना वो बेसिक क्वेश्चन से हमने शुरू किया था लेकिन अभी 2023 में ऐसे क्वेश्चन पूछे गए हैं करने की कोशिश कीजिए ध्यान से गड़बड़ मत कीजिएगा देखिए नो कैट इज डॉग ये कैट है और कोई भी कैट क्या नहीं है डॉग नहीं है नो कैट इज डॉग ऑल डॉग आर रैट ऑल डॉग आर रैट सम बियर आर कैट सम बियर आर कैट ये हो गया पहला काम खत्म डायग्राम बन गया नो कैट इज डॉग नो कैट इज डॉग ऑल डॉग आर रैट ऑल डॉग आर रैट सम बियर आर कैट सम बियर आर कैट डन अब कहता है ऑल रैट कैन नेवर बी कैट ऑल रैट कैन नेवर बी कैट बिल्कुल सही बात कह रहा है आप कहेंगे कैसे कैसे अब देखो ना यहां से देखिए पूरा का पूरा कैट क्या नहीं है डॉग नहीं है और पूरा डॉग क्या नहीं है क्या है रैट है तो कहता है ऑल रैट कैन नेवर बी कैट सारे रैट कैसे हो जाएंगे क्योंकि सारा कुत्ता चूहा है और कुत्ता बिल्ली नहीं है सारा कुत्ता चूहा है कुत्ता बिल्ली नहीं है तो फिर तो फिर क्या सारे बिल, चूहे बिल्ली हो सकते हैं नहीं हो सकते पॉसिबल ही नहीं है ना क्योंकि ये है नहीं डी सी नहीं है ऑल डीज आर बट डी इज नॉट सी सो ऑल आर कैन नॉट बी सी नो बियर इज रैट बियर एंड रैट क्या कहता है नो बियर इज रैट वी आर नॉट श्योर अबाउट दैट तो ये बात क्या है गलत ऑल बियर कैन नेवर बी डॉग सारे बियर डॉग नहीं हो सकते हैं बिल्कुल सही बात कह रहा है क्यों क्योंकि कुछ बियर क्या है कुछ बियर क्या है कैट हैं और सारा कैट क्या नहीं है डॉग नहीं है तो सारे बियर कभी भी डॉग नहीं हो जाएंगे ये वाले हो जाएंगे ये जो डाउट वाले हैं ना ये हो जाएंगे लेकिन इसके बारे में तो श्योरिटी है कि ये वाले जो बियर हैं वो कैट है और कैट क्या नहीं है डॉग नहीं है तो सारे बियर कभी भी डॉग नहीं हो सकते हैं तो ये बात भी सही है पहला तीसरा सही है बढ़िया बढ़िया ठीक है ठीक है एटलीस्ट सम इसका भी यूज 2023 में किया गया एटलीस्ट सम हिंदी में कम से कम कुछ मतलब एक ही चीज है एक ही चीज है नोट में लिख लीजिए एटलीस्ट सम का मतलब सम होता है कम से कम या थोड़ा कुछ एटलीस्ट सम कम कम से कम या थोड़ा कुछ इसका मतलब क्या होता है सम ही होता है तो सेम कम ऑल माइक्रोवेव आर ओवन ऑल माइक्रोवेव आर ओवन एंड नो ओवन इज इंडक्शन और कोई भी ओवन क्या नहीं है इंडक्शन नहीं है एटलीस्ट सम माइक्रोवेव आर इंडक्शन सम माइक्रोवेव आर इंडक्शन गलत है नो माइक्रोवेव इज इंडक्शन नो माइक्रोवेव इज इंडक्शन सही है दूसरा सही है राइट आंसर इज सी ठीक है प्रॉब्लम है ठीक है प्रॉब्लम है देखो जो पहली बार सिलोजिज्म पढ़ रहे हैं उन्हें यह वीडियो दोबारा देखना पड़ सकता है इकलौता ऐसा टॉपिक है जो थोड़ा हटके है पॉसिबिलिटी वाला क्वेश्चन है सर वंस अगेन एक्सप्लेन मोड। नीदर एंड नीदर इन इंग्लिश प्लीज बाई जस्ट अ सेकेंड एक मिनट जरा नीदर का देर इज नो कंडीशन फॉर नीदर नॉर देर इज नो कंडीशन फॉर नीदर नॉर नीदर नॉर सिंपली मीन्स That none of the conclusion follows. Either or means either or is arises whenever you have doubt. What do you what do I mean to say? Like you do not know whether I have taken my breakfast in the morning or not. You're not sure about this, isn't it? Lass, yeah. So there can be two possibilities. Either I would have taken my breakfast or I would, I would have not taken my breakfast. So either or arises when you have doubt in something. So, there are three conditions of either or. The first condition is both the conclusion must be doubtful. So, either or is always applicable on two parts only. Either I would have taken my breakfast or I would have not taken my breakfast. So, that is the first condition for either or that both the conclusion must be doubtful. That is wrong. The second part is one should be positive and the other should be negative. Try to recall that example I have taken my breakfast i have not taken my breakfast not not means negative and the third part elements of conclusion must be same it means i must be talking about the same thing we are talking about breakfast we are not talking about i have taken bath in the morning i have not taken breakfast these are the two things i have taken bath first thing i have not taken breakfast bath and breakfast two things so it should not be dependent on two things it should be on one thing so element of conclusion must be same so we can understand using this example that we do not have surety about student and athletes we do not have surety about students and athletes so it was being asked some students are athletes i am not sure about students and athletes so that is going to be doubtful it means that's wrong third part no student is athlete again i am not sure about student and athlete that is again doubtful that is wrong here one part is positive other is negative negative. positive means some and all are positive no is negative and the element is same i'm talking about student student athlete athlete so all these three conditions follows then only we go for either or and there is no condition for neither or neither nor is like neither nor is like if we do not have all these three conditions following so we go for neither or simple कोई बात नहीं सिविल अब जैसे आप कह रहे हैं मैं हिंदी वाला हूं तो वो इंग्लिश वाले हैं तो सबको साथ लेके चल रहे हैं वैसे भी ये बैचेज इंग्लिश था हिंदी और हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषा में ओह थैंक यू हां हम लोग कहां थे हम लोग कहां थे हम लोग कहां थे हम लोग कहां, लो कहां थे इस क्वेश्चन पे थे क्या उपाय लग, लगाया इसका जल्दी बताओ कोई और भाषा <laughs> थाला, अन्ना या रास कला ऐसे गमछा उमछा लेके आऊंगा अगली क्लास से मैं चश्मा उसे ऐसे करके पहनूंगा देखिए 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 ऑल ड्रॉप बहुत ध्यान से गड़बड़ मत करना इस बार अगर गड़बड़ कर दिए ऑल ड्रॉप इज वन ऑल वन इज शेयर एंड ऑल शेयर इज डन ये डन ये ड्रॉप पहला काम डायग्राम ठीक है किसी को प्रॉब्लम है डायग्राम में ऑल वन बीइंग डन इज अ पॉसिबिलिटी सैंपल क्या है ऑल वन इज डन ऑल वन इज डन बात सही पॉसिबिलिटी में गलत नो डन इज ड्रॉप नो डन इज ड्रॉप ये बात गलत दोनों बात गलत आंसर डी बहुत बढ़िया राज बहुत बढ़िया वेरी नाइस बहुत बढ़िया योगी जी बहुत सुंदर काम अगला देखें अब एक नया कॉन्सेप्ट ओनली अ फ्यू समझ लो हजार 2023 में तो नहीं पूछा है या फिर एक काम करो जाने दो क्योंकि देखो परिवर्तन करेगा तो कैन नेवर 2023 में पूछ लिया है तो परिवर्तन करेगा तो हो सकता है कैन पूछ लेगा ठीक है ओनली अ फ्यू बैंकिंग का बड़ा प्रसिद्ध चल रहा है बहुत फेवरेट चल रहा है तो मे बी दो में पूछे चलो जान लो क्यों ही रिस्क लोगे देखो होता क्या है होता क्या है जब मैं कहता हूं सम ए इज बी स्टेटमेंट में जब मैं कहता हूं सम ए इज बी तो डायग्राम बना ऐसा कुछ ए बी है कंक्लूजन में मैंने पूछा सम ए इज नॉट बी तो यह बात गलत हो जाता है समे इज नॉट बी क्योंकि सम इज बी हमको कुछ ए के बारे में पता है हमको कुछ एम के बारे में पता है जैसे कि आप हमको थोड़ा मेरी थोड़ी सी बातें जानते हैं यू नो समथिंग अबाउट मी हियर इन द कंक्लूजन इट इज गिवन सम इज नॉट बी इंटायरली पार्ट यू आर बींग डेफिनेटली यू आर डेफिनेटली आस्किंग समथिंग अबाउट मी सो यू कैन नॉट बी डेफिनेट अबाउट मी बिकॉज आई नो कुछ ए बी है बाकी के बारे में हमको पता नहीं है सो इट इज सम ए इज नॉट बी आई एम नॉट श्योर अबाउट दिस आई एम नॉट श्योर अबाउट दिस यहीं पे यहीं पे अगर आपका स्टेटमेंट आ जाए वनली अ फ्यू वनली अ फ्यू ए इज बी ओनली अ फ्यू ए इज बी जो यहां पे है ठीक है केवल कुछ केबल कुछ ए बी है केबल कुछ ए बी है मतलब ये ए है और ये बी है और हम श्योर हैं कि सिर्फ यही ए बी है तो अब मैं आपसे अगर कंक्लूजन पूछूंगा कि सम ए इज नॉट बी सम ए इज़ नॉट बी तो ये वाला बात सही होता है यही फर्क है ठीक है सम ए इज बी या फिर आप इसको फ्यू ए इज बी भी लिख सकते हो सम हो या फ्यू एक ही चीज है ओनली अ फ्यू अलग हो जाता है फ्यू मतलब सम फ्यू मतलब सम एटलीस्ट सम मतलब सम तो फ्यू ए इज बी इज सम इज बी सो आई एम अवेयर अबाउट सम पार्ट ऑफ ए not aware aware अबाउट अदर पार्ट ऑफ एंटायर पार्ट ऑफ ए बट हियर इट हैज बीन मेड क्लियर दैट ओनली अ फ्यू ए इज बी इट means आई एम वेरी श्योर दैट सम पार्ट ऑफ ए इज नॉट बी दैट इज द ओनली डिफरेंस between.

इस बात में डाउट है अब यहां पे देखो बहुत ही शानदार सा पॉइंट आपको यहां पे समझना है बहुत शानदार सा पॉइंट क्या पॉइंट समझना है कि सम आर बी। आर और बी के बारे में हमको क्या है डाउट है आर और बी के बारे में हमको डाउट है डाउट वाली बात पॉसिबिलिटी में सही होता है डाउट वाला बात पॉसिबिलिटी में सही होता है और फिर कहता है ऑल सी कैन नेवर बी एस सारे सी कभी भी एस नहीं हो सकते हैं तो ये बात तो गलत हो गया ना हो सकते हैं भाई सारे सी एस के अंदर आ जाए हमको कोई प्रॉब्लम नहीं है तो ये वाला बात गलत हो गया राइट आंसर ए हो जाएगा राइट आंसर ए हो जाएगा ओके, ओके 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 सो बस इतना ही सा डिस्कशन रखते हैं ठीक है बाकी कुछ क्वेश्चंस हैं आप लोग कीजिए बाकी क्वेश्चंस हैं आप लोग कीजिए ठीक है कुछ परीक्षाओं के क्वेश्चन हैं कुछ ऐसे क्वेश्चन हैं जो आपके कॉन्सेप्ट बिल्डिंग के लिए हैं तो इनको आप करें ठीक है टू मिनट समरी की अगर मैं बात करूं टू मिनट समरी की अगर मैं बात करूं तो मैं ये कहूंगा कि आप वेन डायग्राम का ही यूज करें और स्टेटमेंट को प्रेफरेंस दें स्टेटमेंट को प्रेफरेंस दें आपका जो प्रॉब्लम आएगा वो डाउट वाली बातों में आएगा इस पर आप ध्यान रखें डाउट वाली बातों में आपको प्रॉब्लम आएगा संदेह बस आपको यही देखना है कि संदेह किस चीज में है ठीक है ठीक है साढ़े तीन साढ़े तीन बजे मैं फ्री हूंगा अभी फिर से मेरी दो बजे से क्लास है थ्री थर्टी पे बात करेंगे राज ठीक है सीआई ओसामा ऊपर ठीक है ठीक है, थीक है, थीक है। तो लिल जनमन मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों को एक क्वेश्चन है मेरा अभी सिलेबस कंप्लीट नहीं है पूरा कुछ रिवीजन भी रह गया है तो डर लग रहा है पूरा मॉक लगाने में पता नहीं मार्क्स आएंगे कि नहीं आएंगे समझ नहीं देख मानिक तेरे पास अभी कुछ खोने के लिए नहीं है तुम्हारे पास कुछ खोने के लिए नहीं, के लिए नहीं और तुम खुद भी कह रहे हैं कि सिलेबस भी पूरा नहीं है क्या 100% परसेंट सिलेबस कंप्लीट हो जाने पे तुम परीक्षा में 200 के 200 सवाल बना लोगे नहीं बनाओगे ना क्या परीक्षा में सिलेक्शन होने के लिए आपको 200 के 200 सवाल बना करके 200 नंबर लाने होते हैं नहीं होते हैं ना कट ऑफ क्या था 60% परसेंट सिक्सटी परसेंट हम हर सब स्ट्रीम की बात कर ले तो तो अगर आपने फिफ्टी प्लस सिलेबस कंप्लीट कर लिया है मॉक देने का समय हो गया है कोटा फैक्ट्री नहीं देखे हो हाँ कोटा फैक्ट्री में होता है ना कि वो लोग आ, आधा पेपर सोचता है कि इलेवन पढ़ लिए हैं तो वही वाले क्वेश्चन चुन के बोलता है हम पास हो गए तो आप बिल्कुल मौक दीजिए सप्ताह में एक मौक दीजिए घबराइए मत कम नंबर आएगा आज न कल जब भी पहला मौक दोगे निश्चित है कम नंबर आएगा मैं मैंने मॉक तुमको इसलिए देने को नहीं कहा कि तुम अपना मार्क्स वर्क्स देखना मैंने मॉक देने को इसलिए कहा क्योंकि अभी से अपने दिमाग अपने दिल अपने शरीर को दो घंटा एकाग्र रूप से बैठने का प्रैक्टिस भी करना जरूरी है सिर्फ ज्ञान अर्जित करने से नहीं होगा ठीक है सो दैट वॉज द रीजन आई रिक्वेस्टेड यू टू गो फॉर मॉक टॉपर फॉर टूडे वी हैव शिवम वेरी नाइस उत्कर्ष एंड अनुभव एबीसीडी दैट्स ऑल बाकी लोग थोड़ा सा अपने आप को और पुष्ट करें क्लास की पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगी टेलीग्राम का नाम है डेली बताता हूं मैं आप लोग डेली भूलते हैं डेली पूछते हैं टेलीग्राम का नाम है कुशल सर पीडब्ल्यू ओके okay. इस पर मिल जाएगा बाकी पीडब्ल्यू एप्लीकेशन भी है ना उस पर सफलता बैच करके है उसमें आप लोग कह रहे हैं कि आंसर हट जा रहे हैं लेकिन इस पर मैं एक्जैक्टली exactly वही चीज डालता हूं और मैं एक बार उसको रेक्टिफाई करवा लूंगा ठीक है पीडीएफ कब सेंड करेंगे बस क्लास के पांच मिनट बाद और कोई बातचीत किसी के मन में मनीष भाई जन न हल्ला मत करो अरे मनीष प्लीज़ ये काम मत करो भाई ये हंसी मजाक का समय नहीं है बेटा हंसी मजाक एग्जाम के बाद करेंगे अलग से क्लास रख लेंगे जिसमें सिर्फ हंसी मजाक करेंगे लेकिन अभी रहने दो यार ओसामा ठीक से पढ़ता है अब उसने वैसा नाम रख लिया है ठीक है अच्छा आज असली नाम यार अपना बता ही दो प्लीज़ आज असली नाम बता ही दो सही में ओसामा बिल्ला देन है तो कोई बात नहीं नाम है तो नाम है भाई क्या जाता है उससे कट ऑफ कितना जाएगा अभी मैं तपस्या पे जा रहा हूं तपस्या से उठ के कल बताऊंगा अरे भगवान थोड़ी ना मैं हूं मैं अनुमान पे लोग बा... तुम कहोगे ना अरे भैया बाकी लोग तो बता देते हैं कोई एग्जैक्ट बता पाता है किस्मत लग जाता है बट कट ऑफ जितना पह पिछली बार था ना उसी को दिमाग में रख के थोड़ा सा पांच दस नंबर बढ़ा करके और प्रिपरेशन करो मुझे भगवान अपने भगवान ठीक है नहीं नहीं कोई मोटिवेटर नहीं नॉट अ मोटिवेशनल मोटिवेशनल स्पीकर मैं कभी नहीं कहता हूं कि आप YouTube के वो मोटिवेशन या शेरो शायरी से ना बिल्कुल वो रोंगटे खड़े होते हैं लेकिन जब बताइए ना वो रोंगटे कितने देर खड़े रहते हैं आपने कोई कोई को मैं एकदम शानदार सा से, से, से शेर मार दूं तबीयत से पत्थर उछालो आसमान में सुराग हो जाएगा ऐसा सुन के मेरे भी रोंगटे खड़े होते हैं आपकी बिलिंग कितने देर रहते हैं दस सेकेंड पंद्रह सेकेंड बीस सेकंड दो मिनट मोटिवेशनल स्पीच सुनते हैं दो दिन तीन दिन गुब्बारे की तरह फूलते हैं फिर नीचे आ जाते हैं मैं सिर्फ एक ही बात कहता हूं सेल्फ मोटिवेशन पे काम कीजिए अपने आप को खुद से मोटिवेट कीजिए अगर आपको एक व्यक्ति चाहिए जो पीछे से डंडा मारता रहे तो फिर बढ़िया नहीं हो पाएगा बात ठीक है चलो फिर दैट इज ऑल अपना ध्यान रखो घर वालों का ध्यान रखो स्टेबलेट ओवर एंड आउट